नमस्कार, सिटी न्यूज बरेली में आपका स्वागत है। मैं अंश माथुर, आइए डालते हैं नजर आज के समाचारों पर। छठ पूजा उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। इस दिन छठ मैया की खास पूजा की जाती है। यह पर्व चार दिनों तक चलता है। सबसे पहले नहाए खाए, फिर खरना और आखिर में शाम और सुबह का सूर्य को अर्घ्य। लंबे चलने वाले इस त्योहार को पूरा परिवार साथ धूम धमाके से मनाता है। साथ ही खास छठ पर बनने वाली गन्ने की रस की खीर का आनंद लेता है। इसी के चलते बरेली में भी छठ पूजा का त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया। शहर में कई जगह छठ पूजा पर बिहार प्रदेश में रहने वाली इसको बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। बिहार के रहने वाले बरेली में भी काफी संख्या में रह रहे हैं, जो अपने त्योहार को साथ ही अपनी संस्कृति को बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। इसी कड़ी में इज्जत नगर में बने शहीद गेट के पास शंकर पार्वती के मंदिर में बड़ी धूमधाम के साथ महिलाओं ने अपने पति व परिवार की लंबी आयु के लिए पूजा अर्चना की। साथ ही धोका मंदिर में बने तालाब में भी छठ पूजा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी परिवार के लोगों ने सूर्य को अर्घ दिया। इसी के चलते रामगंगा पर भी छठ पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बारे में जानकारी देते हुए लोगों ने बताया, पूजा बहुत ही महान पर्व है हम बिहारियों का, और हम लोग इसमें बहुत साफ सफाई और यहाँ जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं वो पूरी होनी ही होनी है। यहाँ ठकुआ बनाते हैं और हर तरह के फल सारे रखते हैं और सजाते हैं, हर तरह की व्यवस्था रखते हैं और पास पड़ोसी सब आते हैं हमारे यहाँ, और बहुत अच्छा लगता है छठ पूजा। और शिव पार्वती मंदिर में तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है, जैसे लगता है पूरा एक परिवार है। हर साल हम लोग एक दूसरे से मिलते हैं। इसका पूजा के टाइम कितने बजे होता है? पूजा का टाइम सूर्य डूबने से पहले हम लोग शाम का टाइम होता है कि बैठ जाएं अपना पूजा अर्चना करें, और सुबह के टाइम जब सूर्य उदय होता है तो हमें अर्घ देना होता है। वो अर्घ पति और पुत्र देते हैं, जिससे उनकी लंबी आयु होती है और हमारी मनोकामना पूर्ण होती है। कब से आ रही मंदिर आप? मैं 10 साल हो गए शादी को, 10 साल से देख। आप सुबह से आप पुआ बनाए हैं, लड्डू बनाए हैं, ये बहुत अच्छा होता है। अपने पति के लिए करा जाता है, अपने बच्चों के लिए करा जाता है। ये पहले ललिता और ये शिव पार्वती जी करे थे छठ का व्रत, तो उनको मतलब फलित हुआ तो हम लोग भी हमारे भी पूर्वी आने करते हैं। वे ही है।